गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल। बस आज है फ्राइडे और पीछे आपको मेस दिखेगा ही, कुछ दिन तो आपको झेलना ही पड़ेगा पीछे का मेस। आप देख सकते हो पीछे आपको बहुत सारा मेस दिखेगा, बट उसे कुछ दिन आपको इग्नोर करना पड़ेगा। मैं इसलिए आपको पहले से ही बता रही हूँ क्योंकि अगर कोई कमेंट करे तो उनको पता चल जाए कि मेरे घर पे काम चल रहा है, और कोई अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो वो एकदम से कमेंट ना कर दे कि आपके घर में इतना सारा मेस दिखता है और आप ऐसे कैसे रह सकती हो। तो पहले से मैं आपको बता दूं कि मेरे घर पे काम चल रहा है POP फॉल सीलिंग का, तो इसी वजह से ये सारा मेस यहाँ पर ला के रख दिया है। मतलब क्या बोलते हैं, लिविंग रूम से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है हम लोगों ने, इसीलिए आपको इतना सारा मेस दिख रहा है। तो बस यही है। और सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे हो, क्योंकि मैं आप लोगों को ब्लॉग के थ्रू तो बताती रहती हूँ कि मैं कैसी हूँ, बट आप लोग मुझे कभी नहीं बताते हो कि आप कैसे हो। बट आज सबसे पहले आपका कमेंट यही होगा कि आप कैसे हो, ये सबसे पहले मुझे बताइए, और फिर बाद में आप पूरा ब्लॉग देखिए। तो चलिए अभी मैं आपको किचन में लेके चलती हूँ। किचन में माही क्या बना रही है वो दिखाती हूँ, आज दिखाती हूँ आपको माही क्या कर रही है। हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है और मेरे लिए काम बढ़ाती रहती है। अभी भी काम बढ़ा दिया है इसने मेरे लिए। क्या काम बढ़ाया दिखाओ। ये एक पैन पहले इसमें बनाया था तो ये जला के रख दिया, मतलब जला के मीन्स इसमें चिपक गया था, इसी वजह से उसको मैंने बोला तवे पर बनाओ। तो ये वाले अभी तवे पर बना रही है और बना रही है डोरा केक। माही माही कब से डोरा केक बनाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी, बट आज फाइनली मैंने उसको परमिशन दे दी। मैंने बोला नहीं कर लो आप अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा धूल रहती है घर में और उसके ऊपर से ये दूसरे काम बढ़ा के रखती है, तो फिर मुझे लगता है कि यार नहीं, तो इसीलिए ये अभी उसको परमिशन दे दी। तो मैंने ये बनाया है, उसने ये डोरा केक बनाया है, एक दो खा भी लिए शायद इसमें से, थोड़ा सा बैटर, हाँ थोड़ा सा बैटर ज्यादा था इसका, अभी इतने से मैं इतना बैटर खत्म भी हो गया है क्या। अरे हाँ, हाँ चिमनी की आवाज आ रही होगी, एक मिनट चिमनी बंद करती हूँ। इतनी देर से चिमनी चल रही थी मुझे मतलब समझ में नहीं आया चिमनी बंद करे करके। अभी इसका पावर लो है, लो फ्लेम पे ही रखना है क्या। इसके बैटर का आपने शूट किया था कि इसका बैटर कैसे बनाया तो? हाँ, शूट किया था मैंने। तो आप मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इसका बैटर उसने कैसे बनाया था। तो अभी देख लीजिए आप किस तरह से ये बना रही है। इसमें एक रखना पड़ता है दो मिनट के लिए और 30 सेकंड में। अच्छा अच्छा आपने वीडियो देखा लगता है, इसीलिए परफेक्ट आपने इसीलिए आप परफेक्ट इसका टाइमिंग बता रही हो है ना। इसके बाद मैंने हर्षित का सिरप डाला था, मैंने भी स्प्रेड्स डाल दिए। अच्छा पहले हर्षित का सिरप डाला था अभी, और पहले वो केक बन गया था पूरा पहले का। अच्छा अच्छा तो अभी ये स्प्रेड क्या डाला है अभी इसमें? हर्षित का स्प्रेड डालूंगी अभी इसके अंदर। इसके अंदर डाला हुआ है क्या? डालूंगी। ये मक्खी क्यों बीच बीच में आ रही है? अच्छा अच्छा मीठा खा रहे हो ना आप, मतलब मीठा बना रही हो इसी वजह से। ये यहाँ पे स्प्रेड करूंगी फिर ऐसे इसको पूरा। अच्छा अच्छा डोरा केक बन गया। अद्विक की भी बहुत डिमांड थी डोरा केक खाने की, मामा को रिक्वेस्ट कर दो प्लीज दीदी को डोरा केक बना दे। तो चलो अभी फाइनली उसकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई, चलो उसको खाने के लिए मिल जाएगा डोरा केक अब। और अभी ये कितने मिनट में होगा बोला? 2 मिनट। 2 मिनट में ये ऐसे पलटाना पड़ेगा। हाँ, और उसके बाद 30 सेकंड तक। 30 सेकंड तक मतलब फिर हो जाएगा। हाँ, रेडी रेडी। अभी इतने बचे हैं, मतलब इतने बना के उसने रखे हैं अभी। अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अभी ये बनाओ अद्वि के साथ खाओ। फिर बनाने के लिए उसने एक छन्नी में गेहूं का आटा डाला है, वो एक कटोरी डाला है, और उसमें आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा उसने क्या किया है चीनी का पाउडर डाला है, और उसके बाद बेकिंग सोडा ऐड किया है, और उसे अच्छे से छान लेगी। छानने के बाद वो सारी चीज़ें अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाएगी, और उसके बाद वो उसमें ऐड करेगी थोड़ा सा हनी, मतलब 1 चम्मच हनी उसमें ऐड किया है उसने, और उसके बाद वो ऐड करेगी दूध उसमें। तो बस दूध से ये हमें भिगोना है और अच्छे से उसका बैटर बन जाएगा। जब तक ये बैटर अच्छे से नहीं बनता उसमें दूध ऐड करते रहना है, और इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसकी, उस तरह से जब तक ये बनता नहीं है तब तक आपको दूध ऐड करना है। और उस बाद में उसमें गैस पे ये तवा रखा है, पहले उसने ना वो पैन रखा था, उसके बाद ये नॉनस्टिक का तवा रखा है क्योंकि उससे चिपक रहा था वजह से। उसके बाद वो तवे को उसने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ब्रश से, और उसके बाद थोड़ा सा डीप चम्मच लेना है आपको, और उतने चम्मच में जितना आएगा उतना आपको डाल देना है तवे पे, और ये हो जाना चाहिए। तब तक आपको उसे ढक्कन रख देना है उस पे, और गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो फ्लेम होना चाहिए। तो ये 2 मिनट में हो जाएगा उसने ऐसे बोला है, और उसके बाद पलटने के बाद कुछ 30 सेकंड्स तक आपको रखना है, और उसके बाद वो निकाल लेना है आपको।
और इस तरह से आपको हर्शीज पेड़ लगाना है उस पर, और उसके बाद उस पर दूसरा जो डोरा केक उसने बनाया वो रख देगी। तो डोरा केक यहाँ पर बना के उसने रेडी कर दिए थे और अभी वेट कर रही थी अद्विक का। उसके बाद यहाँ पर माही का जो प्रोजेक्ट है उसको स्कूल में दिखाना है, एक्चुअली वीडियो कॉल पर ही उसको दिखाना है, बट उसका प्रोजेक्ट है ये पॉन बनाना है उसे घर पर, तो उसी में उसके पापा उसकी हेल्प कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चों को तो नहीं आता है, ये सारी चीज़ें नहीं आती है, पेरेंट्स को ही हेल्प करने पड़ता है, मतलब काटना वाटना ये सब। वो सिर्फ बता रही है कैसे कैसे करना है, उसके पापा उसको हेल्प कर रहा है काटने में, पाइप काटने में, लगाने में और उसे ग्लू से चिपकाने में, सारी चीज़ें वो कर रहा है, मतलब उसकी हेल्प कर रहा है और वो सिर्फ बता रही है कि कैसे कैसे करना है। तो ये जो फॉन्टन है बहुत अच्छा बनेगा बाद में, आप देख लेना। यहाँ पर माही ने डोरा केक बना के रख दिया है और बोल रही थी कि जब अद्विक फ्री हो जाएगा तब अद्विक को खिलाऊंगी, और अद्विक बहुत दिनों से जिद कर रहा था उसको डोरा केक बनाने के लिए, अभी फाइनली उसने बना लिए। तो बोल रही थी कि अद्विक को जब फ्री हो जाएगा तब खिलाऊंगी, क्योंकि अद्विक उसके पापा के पास ऊपर है, मतलब उसका प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो ऊपर लेके गया है सारा प्रोजेक्ट, क्योंकि बाहर अंधेरा हो गया था। और जो पोर्च के लाइट है वो भी आप लोगों को पता ही है निकाल दिए है, मतलब एक्चुअली पोर्च के जो लाइट है वो फॉल सीलिंग के लाइट लगा दिए हैं, बट उसका कनेक्शन नहीं दिया है अभी तक, तो बाहर के लाइट्स नहीं जल रहे अभी, कोई भी लाइट्स नहीं जल रहा है क्योंकि उसका पूरा कनेक्शन निकाल के रखा है सारा, तो इसलिए वो लोग प्रोजेक्ट लेके ऊपर गए हैं ऊपर वाले रूम में, और प्रोजेक्ट वहाँ पर बना रहा है। तो अद्विक वहाँ पर बिजी है और अद्विक नीचे आने के लिए रेडी नहीं था, तो इसीलिए वो बोल रही थी कि जब भी अद्विक नीचे आएगा तो वो डोरा केक उसको खिला देंगे। अभी ऊपर इसीलिए नहीं लेके गई कि ऊपर थोड़ा सा धूल है, और नीचे आएगा तो जब वो देखेगा ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, इसीलिए उसको देखना था कि वो कितना खुश होता है, इसलिए ऊपर लेके नहीं गई। अभी वो नीचे आएगा तो फिर उसे खिला देगी। और आज डिनर में बनने वाला है थाली पीठ, मतलब यहाँ का महाराष्ट्र का जो फेमस है, मतलब क्या होता है कि थाली पीठ आप बहुत तरीके से बना सकते हो, थाली पीठ की कोई रेसिपी नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलर रेसिपी नहीं है थाली पीठ की, आप थाली पीठ अलग अलग तरह से बना सकते हो और अलग अलग चीज़ का बना सकते हो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ, एक्चुअली कद्दू की सब्जी होती है वो मेरे फ्रिज में बची हुई है, उसका मैं आज थाली पीठ बनाने वाली हूँ, और वो कैसे बनाने वाली हूँ तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, देख लेना कि कैसे बनता है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब कद्दू की, स्पेशली कद्दू की सब्जी का हमारे यहाँ पे ना, मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी या मतलब शादी तक भी, ये से बोल सकती हूँ शादी तक भी, जब भी मतलब महालक्ष्मी का खाना होता था ना, उसमें आप लोगों को पता ही होगा अगर आप महाराष्ट्र से होगे तो कद्दू की ही सब्जी बनती है, और गौरी के खाने में भी कद्दू की सब्जी बनती है, और क्या बोलते हैं गणपति के खाने में भी कद्दू की सब्जी बनती है। तो इसीलिए उस टाइम जब मेरे घर पे कद्दू की सब्जी बनती थी ना, और वो जब बच जाती थी तो दूसरे दिन हम लोग थाली पीठ बना के खाते थे उसका, और सब लोग मिल के खाते थे ना, तो अभी भी मुझे वो दिन याद आते हैं जब भी मैं कद्दू की सब्जी का थाली पीठ बनाती हूँ ना, बहुत याद आते हैं यार बचपन के दिन। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तो वो वापस नहीं आएंगे, तो चलिए अभी जल्दी से बनाती हूँ कद्दू की सब्जी के थाली पीठ और रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। पर थाली पीठ बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, उसके बाद मैं उसमें ये जो बची हुई सब्जी है वो ऐड कर दूंगी। आप कोई भी सब्जी का बना सकते हो, अगर आपके पास कोई भी सब्जी बची हुई है या दो तीन सब्जी भी बची हुई है ना, आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने तिल ऐड किए, तिल थोड़े से ज़्यादा ऐड करने हैं, जब उसमें तिल का जब हम लोग खाएँगे ना, तिल जब हमारे मतलब दांत के नीचे आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्ट अच्छी आती है उसकी। उसके बाद मैंने उसमें जीरा पाउडर और क्या बोलते हैं अजवाइन और क्या सौंफ इसका पाउडर बना के रखा है एक साथ, तो वो ऐड किया है। और उसके बाद मैंने 2 चम्मच के करीब बेसन ऐड किया है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और उसको ना अच्छे से आपको पानी नहीं ऐड करना है, वैसे ही आपको मिक्स करना है। अगर आपकी सब्ज़ी ज़्यादा है तो आपको ऐसे ही मिक्स करना है, अगर आपकी सब्ज़ी थोड़ी सी है तो आपको थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे अच्छे से गूँध लेना है। ये आटा यहाँ पर हमारा गूँध चुका था तो थोड़ा सा तेल लगा के मैंने हाथों में अच्छे से उसे और गूँध लिया, और उसके बाद ये आटा हमारा रेडी है। उसके अच्छे से छोटी छोटी लोइयाँ लेके बेल लेना है, और ऑयल डाल के आपको पराठे बना लेने हैं उसके। इसे ही हम लोग थाली पीठ बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में, मराठी भाषा में हम लोग थाली पीठ बोलते हैं इसे।
यहाँ पर फाउंटेन रेडी हो ही गया था, मतलब लगभग ये रेडी हो ही गया था। अभी थोड़ा सा ही काम बाकी है इसका, बस इसमें ना हमें पानी डालना है और उसके बाद ये मशीन डालनी है उसमें और इस फाउंटेन को ऑन करना है। तो जब ये फाउंटेन पूरा बन के रेडी हो जाएगा तो आपको कभी और ब्लॉग में दिखा दूंगी मैं, क्योंकि आज तो ये पूरा इतना अच्छे से नहीं बना था। मैंने सोचा था कि आज के ही ब्लॉग में आपको दिखा दूंगी, बट ये थोड़ा सा इसका काम बाकी था तो इसके जो सामान चाहिए था वो नहीं मिला था आज, तो इसीलिए फिर मतलब लेट भी हो गया था, तो इसीलिए ये आज स्टार्ट नहीं होगा। जब स्टार्ट होगा तब मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे बनाया है। ये मंडे को उसे दिखाना है, इसी वजह से थोड़ा सा लेट भी बना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, वो घड़ी आ गई है जिसका आप सभी को और मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। एक गुड न्यूज़ है जो आपके साथ मुझे शेयर करनी थी और कब से मैं उसका वेट कर रही थी कि ये घड़ी कब आएगी, और आज फाइनली वो घड़ी आ गई है और वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हमारे IMK फैमिली के 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है गाइस। मतलब आप लोग अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते, इतना ज़्यादा प्यार नहीं देते, तो ये खुशी का मौका मेरी लाइफ में कभी नहीं आता। तो थैंक यू सो मच गाइस आपके लिए और आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बना के रखना। 50K सेलिब्रेशन जल्दी ही हम लोग करेंगे, उसके ब्लॉग का वेट करना। तो चलिए गाइस, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। 50K के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, लाइक करके ही जाना, बिल्कुल लाइक करे बिना मत जाना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें 100K तक जाना है और 100K से आगे भी जाना है, बट अभी होप मैं 100K की ही रखती हूँ। आपका अगर ऐसे ही सपोर्ट रहा और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे तो 100K तक जल्दी ही हम लोग पहुँच जाएंगे। हमारी IMK फैमिली जल्दी ही 100K की हो जाएगी, तो इसी वजह से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और इसके साथ दो और चैनल है मेरे, तो आप वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर मुझे प्यार देते हो वैसे ही इंस्टा पर भी मुझे प्यार दीजिए और वहाँ पर भी मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।